आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। खुशी इंटरप्राइजेस, हमारी सेवाएं कुआं खुदाई, पाइपलाइन, तलाई खुदाई, काली मिट्टी, जेसीबी, पॉकलैंड, डंपर के लिए संपर्क करें। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। प्रोवाइडर कुशाल सिंह सिसोदिया, प्रोवाइडर राकेश गरासिया, संपर्क नंबर 9009079449, 7879569857। पता, सब्जी मंडी के सामने, सावलिया कॉम्प्लेक्स, कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। खुशी इंटरप्राइजेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखिए राष्ट्रीय स्तर की ताजा बड़ी खबरें। नई दिल्ली, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। आंदोलन को तेज करने की स्ट्रेटजी के तहत किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोकेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि रेल रोकने के दौरान बच्चों को दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। किसानों के ऐलान को देखते हुए मेट्रो रेल प्रबंधन भी एहतियात बरत रहा है। ऐसे में टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पंडित श्री राम शर्मा बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। वहीं रेल मंत्रालय ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। सीनियर अफसर रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग भी कर रहे हैं। उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बाबूराहा टोला गांव में बुधवार को खेत पर संदिग्ध हालत में बेहोश मिली 3 नाबालिग बहनों में से 2 की मौत हो गई, तीसरी की हालत गंभीर है। तीनों एक ही दुपट्टे से बंधी मिली थी, मुंह से झाग निकल रहा था। इसे देखते पुलिस ने पॉइजनिंग की आशंका जताई है। इस घटना को लेकर पूरे गांव में गुस्सा है। ऐसे में यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पासी समुदाय की इन लड़कियों की उम्र 13, 16 और 17 साल है। इनके भाई ने कहा कि हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तीनों बहनें पहले स्कूल जाती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनका स्कूल जाना छुड़वा दिया गया था। पीड़ित परिवार ने इस घटना के पीछे किसी साजिश का शक नहीं जताया। हालांकि उन्नाव के SP आनंद कुलकर्णी का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह पता चल सकेगी। जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मदद का झांसा देकर शातिर ठग ने एक युवक का पूरा खाता ही खाली कर दिया। युवक के खाते में 40,000 रुपए थे। वह ATM से रुपए निकालने के लिए पहुंचा था। जब रुपए नहीं निकले तो बूथ के अंदर खड़े ठग से उसने मदद मांगी। ठग ने झांसा देकर डेबिट कार्ड बदल दिया, बाद में खाते से रुपए निकाल लिए। युवक जब बैंक गया तो इसका पता चला। इसके बाद बुधवार देर शाम सकरी थाने में FIR दर्ज कराई। अहमदाबाद शहर के मोटेरा स्टेडियम पर 9 साल बाद 24 फरवरी से टेस्ट क्रिकेट का शुरू होने जा रहा है। मैच से एक सप्ताह पहले इंडिया और इंग्लैंड की टीम गुरुवार शाम 4:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आएगी और यहां से आश्रम रोड स्थित हयात होटल में जाएगी। दोनों टीमें 33 दिन तक हयात होटल में ठहरने से उनकी सेवा में तैनात होटल स्टाफ के 150 मेंबर भी 33 दिन तक घर नहीं जा सकेंगे।
आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें